हेलो गाइस, वेलकम टू विवेक पाठशाला। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री फॉर्मूले, जो कि हमारे क्लास 9 और क्लास 10 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे केमिस्ट्री फॉर्मूले, जो कि हमारे 9th और 10th की केमिस्ट्री की अगर बात करें या साइंस की बात करें उसमें हमारे काफ़ी यूज़ होते हैं। तो बच्चों, नंबर फर्स्ट अगर फॉर्मूले की बात करें सिंपली, तो पहला फॉर्मूला है बच्चों हमारा वाटर। तो सिंपली अगर बात करें बच्चों वाटर, जिसका हमारा फॉर्मूला होता है H2O। तो सिंपली वाटर का फॉर्मूला बच्चों हमारा होता है H2O। अगर बात करें सेकंड की बच्चों, नंबर सेकंड है बच्चों हमारा सोडियम क्लोराइड। तो बच्चों सोडियम क्लोराइड अगर बात करें इसके फॉर्मूले की, तो सिंपली इसका बच्चों हमारा फॉर्मूला होता है NaCl। तो बच्चों फॉर्मूला अगर बात करें सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, हमारा ये फॉर्मूला होता है इसका। और बच्चों इसका दूसरा नाम होता है हमारा कॉमन सोल्ट। तो बच्चों अगर कोई पूछता है कि कॉमन सोल्ट का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, तो सिंपली वो होता है बच्चों हमारा NaCl। तो सिंपली अगर बात करें बच्चों, नंबर थर्ड है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। तो बच्चों नंबर थर्ड है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों हमारा H2SO4। तो सिंपली अगर बात करें बच्चों, हमारा है नंबर थ्री फॉर्मूला जो कि है सल्फ्यूरिक एसिड, और इसका हमारा फॉर्मूला होता है H2SO4। तो यानी कि अगर बात करें नंबर फर्स्ट वाटर, तो बच्चों पानी या जल, जिसका हमारा फॉर्मूला होता है H2O। अगर बात करें सेकंड की सोडियम क्लोराइड यानी कि कॉमन सोल्ट, इसका हमारा फॉर्मूला होता है बच्चों NaCl। नंबर थर्ड है बच्चों हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, इसका हमारा फॉर्मूला होता है H2SO4। नंबर फोर्थ अगर बात करें बच्चों हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो बच्चों हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका दूसरा हमारा नाम होता है बच्चों, दूसरा अगर बात करें नाम की इसकी, इसको कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। तो बच्चों हाइड्रोजन क्लोराइड अगर बात करें फॉर्मूले की सिंपली बच्चों, तो इसका फॉर्मूला होता है HCl। तो बच्चों इसका हमारा फॉर्मूला होता है HCl। और अगर बात करें इसके नाम की, तो बच्चों हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड। अगर बात करें बच्चों नंबर फाइव की, नंबर फाइव है बच्चों हमारा अमोनिया। तो बच्चों अमोनिया अगर बात करें, तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों हमारा NH3। तो बच्चों अमोनिया का फॉर्मूला हमारा होता है NH3। अगर बात करें नंबर सिक्स की सिंपली, तो बच्चों नंबर सिक्स है हमारा एसिटिक एसिड। नंबर सिक्स है बच्चों हमारा एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH, या हम बात करें इसको लिख सकते हैं CH3COOH, इस तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं। तो बच्चों एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH, जो कि हमारा फॉर्मूला होता है किसका, एसिटिक एसिड का। और बच्चों इसको अगर बात करें, इसका दूसरा नाम है हमारा विनेगर यानी कि सिरका। तो सिंपली अगर बात करें विनेगर या एसिटिक एसिड, जिसका हमारा फॉर्मूला होता है CH3COOH। अगर बात करें बच्चों नंबर सेवन की सिंपली, तो बच्चों नंबर सेवन है अगर बात करें, तो नंबर सेवन है बच्चों हमारा नाइट्रिक एसिड। तो बच्चों नाइट्रिक एसिड यानी कि अगर बात करें फॉर्मूले की, तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों हमारा HNO3। तो बच्चों नाइट्रिक एसिड, इसका हमारा फॉर्मूला होता है HNO3। तो बच्चों नंबर फर्स्ट वाटर का फॉर्मूला H2O, सोडियम क्लोराइड यानी कि कॉमन सोल्ट, जिसका हमारा फॉर्मूला होता है NaCl, सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है बच्चों हमारा H2SO4। नंबर फोर्थ की अगर बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका हमारा फॉर्मूला होता है बच्चों HCl। नंबर फाइव अमोनिया, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों हमारा NH3। नंबर सिक्स है बच्चों हमारा एसिटिक एसिड यानी कि विनेगर, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। नंबर सेवन नाइट्रिक एसिड, जिसका हमारा फॉर्मूला होता है बच्चों HNO3। क्लोरोफॉर्म, इसका हमारा फॉर्मूला होता है बच्चों CHCl3। तो बच्चों क्लोरोफॉर्म का हमारा फॉर्मूला होता है CHCl3। नंबर नाइन की अगर बात करें बच्चों कार्बन टेट्रा क्लोराइड, तो बच्चों नंबर नाइन है हमारा कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसका दूसरा नाम है बच्चों हमारा पायरीन। तो बच्चों इसका दूसरा नाम है हमारा पायरीन। अगर बात करें फॉर्मूले की CCl4, तो बच्चों सिंपली अगर बात करें कार्बन टेट्रा क्लोराइड यानी कि पायरीन, इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है CCl4। तो सिंपली क्लोरोफॉर्म का हमारा फॉर्मूला होता है CHCl3। और बच्चों पायरीन यानी कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसका हमारा फॉर्मूला होता है CCl4। अगर बात करें नंबर 10 की,
बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका हमारा दूसरा नाम होता है बच्चों, दूसरा नाम होता है सिलेक्ड लाइम। तो बच्चों इसका दूसरा नाम होता है हमारा सिलेक्ड लाइम, यानी कि अगर बात करें फॉर्मूले की CaOH होल ट्वाइस। तो बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH होल ट्वाइस और इसका हमारा दूसरा नाम होता है तो बच्चों सिलेक्ड लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। नंबर 11 की अगर बात करें कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि इसका दूसरा नाम जो कि है बच्चों हमारा क्विक लाइम। तो बच्चों दूसरा नाम है इसका हमारा क्विक लाइम। अगर बात करें फॉर्मूले की सिंपली तो बच्चों इसका फॉर्मूला होता है CaO, तो सिंपली कैल्शियम ऑक्साइड। तो बच्चों नंबर 11 था हमारा कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम जिसका फॉर्मूला होता है CaO। अगर बात करें नंबर 12 की तो बच्चों नंबर 12 है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट अगर बात करें इसकी फॉर्मूले की सिंपली तो बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट इसका फॉर्मूला होता है CaCO3। तो बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट इसका हमारा फॉर्मूला होता है CaCO3 जो कि किसका फॉर्मूला होता है बच्चों हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का। तो बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3। तो बच्चों क्विक लाइम का फॉर्मूला CaO, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, सिलेक्ट लाइम CaOH का होल ट्वाइस, पायरीन यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसका फॉर्मूला होता है CCl4। नंबर अगर बात करें 8 की क्लोरोफॉर्म CHCl3, 7 नाइट्रिक एसिड HNO3, एसिटिक एसिड यानी कि विनेगर CSC, तो बच्चों CH3COOH, अमोनिया NH3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सोडियम क्लोराइड NaCl या इसका दूसरा नाम कॉमन सोल्ट। और अगर बात करें वाटर की तो बच्चों वाटर का फॉर्मूला हमारा होता है H2O। अगर बात करें बच्चों नंबर 13 की तो बच्चों नंबर 13 है हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीजिया, मिल्क ऑफ मैग्नीजिया अगर बात करें इसके फॉर्मूले की तो सिंपली अगर बात करें बच्चों मिल्क ऑफ मैग्नीजिया इसका फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस। तो बच्चों मिल्क ऑफ मैग्नीजिया इसका हमारा फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस यानी कि मैग्नीजियम हाइड्रोक्साइड। अगर बात करें बच्चों इसका दूसरा नाम होता है हमारा मैग्नीजियम हाइड्रोक्साइड यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीजिया। अगर बात करें नंबर 14 की तो बच्चों नंबर 14 है हमारा ईथेन, ईथेन इसका फॉर्मूला होता है C2H6। तो बच्चों C2H6 यानी कि अगर बात करें C2H6 जो कि फॉर्मूला होता है किसका, ईथेन का। तो सिंपली अगर बात करें नंबर 15 की तो बच्चों नंबर 15 है हमारा ग्लूकोज, ग्लूकोज बच्चों इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो बच्चों ग्लूकोज का फॉर्मूला हमारा होता है C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का हमारा फॉर्मूला सेम होता है लेकिन उनका स्ट्रक्चर थोड़ा हमारा डिफरेंट होता है जो कि आप हायर क्लासेज में स्टडी करोगे। तो बच्चों ग्लूकोज और अगर बात करें फ्रक्टोज दोनों का हमारा फॉर्मूला सेम होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज जिसका फॉर्मूला होता है बच्चों हमारा C6H12O6 यानी कि ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका, ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का। अगर बात करें बच्चों नंबर 16 की सिंपली तो बच्चों नंबर 16 है हमारा एसीटेटाइड जिसका फॉर्मूला होता है बच्चों CH3CHO। तो बच्चों एसीटेटाइड अगर बात करें नंबर 16 है बच्चों हमारा एसीटेटाइड जिसका हमारा फॉर्मूला होता है CH3CHO। तो बच्चों आज का लेक्चर केवल हमारा यहीं तक होगा, आज हमने डिस्कस किए इम्पोर्टेंट 16 केमिस्ट्री फॉर्मूले। इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट फॉर्मूले की। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग विवेक पाठशाला।